हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास फिजिकल एजुकेशन. प्लेज आई कुलदीप कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कुलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, it's your fourth assignment of physical education, chapter number 2, physical education. Rest of the questions we will discuss today. Question number 6, what are the objectives according to J.B. Nash? J.B. Nash ने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं फिजिकल एजुकेशन के. फर्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटरप्रिएटिव डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट. न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट नर्व्स प्लस मसल्स, ओके, उनका विकास. इमोशनल भावक विकास. इंटरप्रिएटिव व्याख्यात्मक विकास. ऑर्गेनिक जैविक विकास. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू H.C. Buck. H.C. Buck ने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं फिजिकल एजुकेशन के. फर्स्ट ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल बैलेंस, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड एंड कंडक्ट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू लेस्ली. लेस्ली हैज मेंशन्ड द फॉलोइंग 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ऑर्गेनिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. हाँ जी, ये भी सेम ही है, ठीक है ना. सो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनिस्ट ने अपने अपने व्यू दिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स. तो देर आर ओनली मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, थर्ड इज इमोशनल डेवलपमेंट एंड फोर्थ इज सोशल डेवलपमेंट. ओके स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हैं, ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. हाँ जी, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प्स इन डिवेलपिंग द बॉडी. आवर बॉडी इज अ काइंड ऑफ मशीन विच ग्रोज एंड डिवेल्प्स विद फिजिकल एक्टिविटीज. हाँ जी, फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, हमारी बॉडी को डेवलप करने में मदद करती हैं. फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटी कौन सी हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी गेम खेलते हैं, उसके फंडामेंटल स्किल्स करते हैं, दैट इज़ द फिजिकल एक्टिविटीज़. यहाँ पे हमारी फिजिकली पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है. अवर बॉडी इज अ काइंड ऑफ मशीन विच ग्रोज एंड डिवेल्प्स विद फिजिकल एक्टिविटीज़. हाँ जी, हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है. जैसे हम किसी मशीन को यूज़ नहीं करते उसमें, ठीक है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, लो हो जाती है, वैसे ही अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी क्या है, एक्टिव नहीं रहेगी, बहुत सारी बीमारीज हमें लग जाएंगी, ठीक है ना. फिजिकल डेवलपमेंट इम्प्रूव्स अवर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज एंड लीड्स
लीड्स टू मैक्सिमम ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। हाँ जी, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है, हमारा न्यूरो मस्कुलर जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इम्प्रूव होते हैं, और साथ साथ में जो हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स हैं उनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है, वो उनकी डेवलपमेंट भी होती है। दिस ऑब्जेक्टिव आल्सो गाइड अ पर्सन टू मेक हिज बॉडी स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, ये ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य क्या है कि हमारी बॉडी को अच्छा से हम बनाते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वेल शेप्ड, अच्छी उसकी शेप, फिजिकली फिजीक क्या है उसको गुड बनाते हैं, जिससे क्या है बॉडी अच्छी दिखती है, गुड लुकिंग, ठीक है, अट्रैक्टिव बनती है बॉडी। फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हो, जिमनेजियम जिम वाली एक्सरसाइज करते हैं हम, ठीक है, उसके साथ क्या है हमारी बॉडी एक्टिव होती है और उसकी वर्किंग एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। गुड वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स, इसके साथ क्या है इंटरनल ऑर्गेन्स की भी वर्किंग एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, ठीक है ना, इनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है, बॉडी अच्छी बनती है, सारे ऑर्गेन अच्छे से वर्क करते हैं, तो क्या है हेल्थ भी अच्छी बनती है, गुड हेल्थ, डिजीज नहीं लगती हमें, है ना, एंड इम्प्रूव्स अ फिजिकल पर्सनैलिटी, ये हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। दिस डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद पॉजिटिव थाट्स, आइडियाज, बिहेवियर, एटीट्यूड, कंडक्ट एंड रिस्पॉन्सेज। हाँ जी, साइकोलॉजिकल हमारी मेंटल हेल्थ, मनोवैज्ञानिक हेल्थ क्या है, किससे रिलेटेड होती है, पॉजिटिव थॉट्स, हमारी सोच कैसी है, आइडियाज़ कैसे हैं, बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना, एटीट्यूड, कंडक्ट एंड रिस्पॉन्सेज, हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं दूसरों को। दिस ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव्स द साइकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। हाँ जी, साइकोलॉजिकल बैलेंस को ये इम्प्रूव करते हैं, दैट्स मेंटल प्रोग्रेस एंड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटल प्रोग्रेस, कैसे हमें अपने आइडियाज़ देने हैं अच्छे से, मतलब अच्छी अच्छी सोच बना के रखना, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, नेगेटिव व्यूज नहीं रखने चाहिए। द पॉजिटिव थॉट्स एंड आइडियाज़ गाइड द इंडिविजुअल टूवर्ड प्रोग्रेस। हाँ जी, अच्छे आइडिया आएंगे, अच्छी थिंकिंग रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारी क्या है, हमारी मतलब तो हम गुड डिसीजन ले सकते हैं, उसके साथ हमारी क्या है हम अच्छे नागरिक बन सकेंगे, एंड हैंस मेक अ पर्सन गुड सिटीजन, क्या है हमारे मतलब एक पर्सन को अच्छा नागरिक बनाएंगे। द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव माइंड हेल्प्स अस टू अचीव द एम। हाँ जी, पॉजिटिव माइंड क्या है एम को अचीव करने में मदद करता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट मेक अ पर्सन एक्टिव एंड डिवेल्प द वेल बैलेंस्ड लाइफ। हाँ जी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ क्या है एक पर्सन है एक्टिव बनता है, उसकी मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी है अच्छी बनती है, अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी तो वो अच्छा इंसान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। हाँ जी, आगे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने हैं, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी। हाँ जी, मनुख एक सामाजिक प्राणी है, वो सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता। मैन इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड हैज़ टू फॉलो द रूल, रेगुलेशन, ट्रेडिशंस एंड लॉ ऑफ सोसाइटी। हाँ जी, जिस सोसाइटी में आदमी रहता है उसको उसी सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। हिज एक्टिवनेस इन सोसाइटी प्रूव्स हिज आइडेंटिटी। सोसाइटी ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव हिज स्टेटस। हाँ जी, वो क्या है जो उसकी एक्टिवनेस है वो सोसाइटी मतलब प्रूव करती है कि हाँ कि ये पर्सन इसके डिसीजन अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे से रह रहा है सोसाइटी में, और सोसाइटी भी उसका स्टेटस इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। दिस ऑब्जेक्टिव डिवेल्प्स द सोशल क्वालिटीज लाइक कोऑपरेटिव बिहेवियर, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस, ऑनेस्टी, ओबिडेंस, सिंसियरिटी, टॉलरेंस, एडजस्टमेंट, लीडरशिप, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एक्सेट्रा। ठीक है, जो सोशल डेवलपमेंट के थ्रू हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ आ जाती है, ठीक है ना। सोशल डेवलपमेंट हेल्प्स टू अचीव द एम ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, दैट इज़ टू बी एन आइडियल सिटीजन एंड अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है बच्चे, सोशल डेवलपमेंट भी एक अच्छा नागरिक बनने में हमारी हेल्प करती है। अगर आपके मतलब अच्छे से आप सोसाइटी में रह रहे हो तो क्या है आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, आपके डिसीजन अच्छे होते हैं जिससे कि सोसाइटी भी कदर करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट।
इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ मेंस पर्सनैलिटी. इमोशंस लाइक लव, हेट, एंगर, जेलेसी, एग्रेसिवनेस, चीयरफुल, प्लेजर, एंजाइटी एक्सेट्रा आर पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी. हाँ जी, ये सारे इमोशंस हैं, ये भी इंसान की पर्सनैलिटी का एक पार्ट है. दीज इमोशंस हेल्प्स टू अचीव ऑप्टिमम प्रोग्रेस, दस इट हेल्प्स टू अचीव एम. हाँ जी, ये इमोशंस को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम क्या है अपने एम को अच्छे से अचीव कर सकते हैं. इमोशंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड समटाइम इन अ कंट्रोल्ड वे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. हाँ जी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए. ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, ज़्यादा मतलब खुशी को कंट्रोल में रखना चाहिए, मतलब गुस्से भी को भी कंट्रोल में रखना चाहिए और ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, कंट्रोल करना सीखना चाहिए. फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स गुड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस दीज. हाँ जी, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इन इमोशंस को कंट्रोल करने में. दस इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प्स मैन टू अचीव द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो इमोशनल डेवलपमेंट भी एम को अचीव करने में मदद करती है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.